Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the next topic of class 7th, that is physical and chemical change. As we people know that we are surrounded by different changes. Hamare aas paas mukhtalif qisam ki changes ho rahi hain jinse hum almost har waqt interact kar sakte hain, inke saath behave kar sakte hain. To ye jo ye changes hai, inhone hamari zindagi mein ek aham role play kiya hai. To in changes se kya hai ki ये चेंजेस हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद भी है और काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह भी है. तो बहुत इफेक्ट है इन दोनों चेंजेस का. तो ये जो चेंज है, ये चेंज यूजुअली दीज आर क्लासिफाइड इनटू मैन टू टाइप्स. वन इज कॉल्ड एज द फिजिकल चेंज एंड अनदर इज कॉल्ड एज द केमिकल चेंज. वन इज फिजिकल चेंज एंड अनदर इज कॉल्ड एज द केमिकल चेंज. तो फिजिकल चेंज क्या है? फिजिकल चेंज एक ऐसी चेंज है जहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि साइज है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, शेप है, कलर है, स्टेट है, ये किसी भी सब्सटेंस का चेंज होगा. फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे कोई सब्सटेंस जो है ये बड़ा है, जब इसमें चेंज आएगी ये छोटा हो जाएगा. अगर हम देखेंगे, हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक आइस का एक क्यूब होगा. जो आइस का एक क्यूब है, इसका जो साइज है ये काफी छोटा है. ये एक कमरे में एक कोना लेगा, उसकी जगह लेगा. जब यही मेल्ट होता है, ये इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर, ये वाटर पूरे कमरे में फैल जाएगा. अगर हम फिर से इसमें चेंज करेंगे, जो वाटर है इट गेट्स कन्वर्टेड इन वेपर्स और कमरे में कुछ भी नहीं रहेगा. तो हम ये कहेंगे जो चेंज है इसमें साइज का इन्वॉल्वमेंट होगा. फिजिकल प्रॉपर्टी जो साइज है इसका इन्वॉल्वमेंट होगा, ये चेंज होगी, उसको फिजिकल चेंज कहते हैं. शेप चेंज होगी, इसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं. कलर चेंज होगा, इसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे हमारे पास फ्रूट होता है, इसका कलर क्या है, ये चेंज होता है, इट गेट्स चेंज. तो हम ये कहेंगे इट्स ए फिजिकल चेंज. स्टेट सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में, इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी एंड दिस चेंज कॉल्ड एज ए फिजिकल चेंज. ये जो ये चेंजेस है, फिजिकल चेंज है, ये यूजुअली दे आर रिवर्सिबल इन नेचर और वी कैन स्टेट दैट जनरली दे आर रिवर्सिबल इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे आइस जो है ये वाटर में कन्वर्ट, वाटर फिर से कन्वर्ट हो सकता है किसमें, आइस में, ठीक है. या इसके अलावा अगर हमारे पास कोई पीस ऑफ पेपर है, इस पीस ऑफ पेपर से हमने कुछ कोई शक्ल बनाई. फॉर एग्जांपल हमने कोई डायग्राम बनाई, हमने कागजी जहाज बनाया या हमने कागजी नाव बनाई. हम इस नाव को वापस कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें, इस पीस ऑफ पेपर में. वो सच चेंजेस आर रिवर्सिबल, यानी जो कि वापस आएगी. जो बैकवर्ड रिएक्शन इट विल बी कॉल्ड द फॉरवर्ड रिएक्शन. सच केमिकल चेंजेस आर कॉल्ड एज द फिजिकल चेंजेस. तो इन फिजिकल चेंजेस में क्या है कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, नॉट एनी न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस इन चेंज में नहीं बनता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, ठीक है. ये एक्चुअली जो वाटर है इट इज द लिक्विड स्टेट ऑफ द आइस. जो आइस है, आइस इज द सॉलिड स्टेट. ये एक्चुअली चेंजेस में जो इनकी फिजिकल स्टेट उसी में चेंज, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है. अगर हम देखेंगे पीस ऑफ चाक, हम इस चाक से लिखते हैं, तो चाक जो है, चाक का जो मतलब जब हम लिखते हैं, जो चाक का जिससे हम लिखते हैं, इस सब्सटेंस को हम फिर से कलेक्ट करके फिर से इस चाक को बना सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसको हम कलेक्ट करके फिर से बना सकते हैं. या आइस जो है कन्वर्ट होगा वाटर में, कोई नया सब्सटेंस नहीं इसमें बनता है. या अगर हम कोई भी चीज बनाते हैं किससे, विद ए पीस ऑफ पेपर, इस पीस ऑफ पेपर को हम वापस इस जो हमने ये डायग्राम बनाए, हमने ये शेप बनाई, इसको हम वापस कन्वर्ट किस में कर सकते हैं, पीस ऑफ पेपर में. सो दीज ऑल आर द चेंजेस एंड दीज चेंजेस आर कॉल्ड एज द फिजिकल चेंज बिकॉज इन देम फिजिकल प्रॉपर्टीज आर लाइक साइज, शेप, कलर, स्टेट चेंजेस. बिसाइड्स दिस नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मड एंड ऑल्सो द चेंजेस आर रिवर्सिबल इन नेचर. नाउ देयर इज अनदर चेंज, दैट्स कॉल्ड केमिकल चेंज, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज. सच चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. Chemical change is that change in which chemical properties of a substance change. यानी कि एक ऐसी चेंज जहां पे chemical properties में तब्दीली हो जाएगी, उन चेंज को हम chemical change कहते हैं. तो जो ये chemical changes है, they are not reversible. ये reversible नहीं है. यानी कि जब भी कोई सब्सटेंस बनता है, ये बन गया तो बन गया, ये वापस से इस सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हो सकता है. तो इनमें क्या होता है, केमिकल चेंजेस आर कैरेक्टराइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, इनमें नया सब्सटेंस बनता है. फॉर एग्जांपल अगर हम वुड को देखेंगे, वुड जो है इसमें कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन की वजह से जलता है, बर्न होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, नया सब्सटेंस बनाएगा.
कार्बन डाइऑक्साइड वापस लकड़ी नहीं बन सकती। पीसा पेपर को हम बर्न करेंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। या इस तरीके से जो है एक और प्रोसेस किया जिसको हम रस्टिंग कहते हैं, मेटलिक सब्सटेंस पे एक किस्म की एक कोटिंग सी चढ़ती है जिसको हम रस्टिंग कहते हैं। तो जो ये रस्ट है इससे ये मेटलिक सब्सटेंस जो है इट गेट्स ईटन अवे या इसका जो साइज है, इसकी जो शेप है, इसका जो वेट है, या पूरी तरीके से ये खत्म होता है विद अ पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि जो रिएक्शन है दिस रस्टिंग इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। इसके अलावा और भी कुछ सब्सटेंस है उन पे भी एक कलर चढ़ता है, सिल्वर पे चढ़ता है, कॉपर पे चढ़ता है, सिल्वर पे ब्लैक कलर चढ़ता है, कॉपर पे ग्रीन कलर चढ़ता है। इस प्रोसेस को हम दूसरा नाम भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए क्रोजन। तो जो ये दोनों ये प्रोसेस है, बोथ दीज प्रोसेस दे कैम अंडर केमिकल चेंज, ये दोनों जो है केमिकल चेंज है, क्योंकि ये जो चेंजेस है इनमें क्या होता है कि मतलब इनमें केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, इनमें एक नया सब्सटेंस बनता है, ये रिवर्सिबल नहीं है, दे आर इरिवर्सिबल चेंजेस। और इसलिए जो रस्टिंग और क्रोजन है दे आर कंसिडर्ड एज ए केमिकल चेंजेस। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। हैव अ नाइस डे।